तो यार ये जो बाइक हमने बनाई है ना यार, ये बाइक है जो पानी के साथ चलती है यार, फुल लेटेस्ट मॉडल है और ऐसी चीज बनाई है ना यार, आप बहुत लेटेस्ट चीज बनाई है और पानी के साथ चलती है यार, सबसे बड़ी बात ये है। हेलो एवरीवन, इट्स मी भावजर। यार आज का स्पेशल व्लॉग ऐसी बाइक से होने वाला है कि जो यार ना ही पेट्रोल से चलती है, ना ही गैस से चलती है और ना ही डीजल चलती है, वो सिर्फ चलती है पानी से। तो आज मैं आपको पूरी बाइक का रिव्यू कराऊंगा इस व्लॉग के अंदर। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू मजीद वीडियो आती रहे। और आपको पता है मेरी न्यू साइकिल तैयार होने वाली है, उसकी भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो यार कमेंट करके लाजमी बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। अब चलते हैं व्लॉग की। तो यार ये जो बाइक हमने बनाई है ना यार, ये बाइक है जो पानी के साथ चलती है यार, फुल लेटेस्ट मॉडल है और ऐसी चीज बनाई है ना यार, आप वाकई आपको यार वाकई वाह भाई की गाड़ी बनाई है। सबसे पहले यार इसके व्हील से स्टार्ट करते हैं यार। इसका व्हील चेक करो यार आप, ये इसकी ब्रेक है, देखो ब्रेक चल रही है। और ये इसकी जो शाख है ना यार, ये शाख बड़ी लेटेस्ट बनाई है और बहुत ज़्यादा मेहनत है। जिस बंदे ने मिलवाई है मैं वो बंदा भी इस वीडियो में आपको मिलवाऊंगा। और ये शाख इस तरीके से काम करते है कि आपको पता लगेगा यार शाख वगैरह काम किया सही। ये शाख तो चला के दिखाना ज़रा, अभी आपको सबसे पहले ये इसकी आगे वाली शाख चला के दिखाते हैं। ये देखें, ये लगी पड़ी है, ये देखें इसकी पंपिंग देखें कैसी हो रही है, चेक करें फुल लेटेस्ट है। और उसके बाद आप इधर आ जाएँ बच्चे को, उसके बाद ये पीछे वाली शाख चला के दिखाओ इसकी। अरे पीछे वाली शाख चेक करो आप यार, ये भी बड़ी है। दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हैं। उसके अलावा जो इसका कारपेंटर वगैरह वही 70 वाला है। और ये इसका इंजन वगैरह है इसका, यानी कि सारा इस साइड पे ये इसका सलेंसर चेक करें, सलेंसर यहाँ से जा रहा है, ये इस साइड पर से अंदर हो रहा है, यानी कि ये देखो इस साइड से डबल निकल आ रहा है, ये इस साइड से डबल निकल के आ रहा है। और ये सारा माशाल्लाह निकल, क्रोम वगैरह कराया हुआ। और ये फिल्टर वगैरह चेक करें, ये भी बड़ा लेटेस्ट लगाया हुआ। और उसके अलावा इसके व्हील शील चेक करें, व्हील भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही लेटेस्ट बनाए हैं। और ये सलेंसर चेक करें आप यार, ये भी बड़ा अच्छा यानी कि लगाया, बहुत ही डिजाइनर। और अब काफ़ी भाई कहेंगे यार बाबा ये क्या चीज़ है भाई, ये इसका मडीगार्ड है समझ लो। और ये इसकी सीट वगैरह चेक करें, और इसकी जो टैंकी वगैरह ना वो इसके अंदर ही है, इसकी टैंकी वगैरह इसके अंदर, ये पेट्रोल वगैरह जगह। और ये इसकी शाख रॉड है सारा, और ये सीट के नीचे शाख लगाए हुए हैं जो जंप करेंगे, यानी कि खड्डे वगैरह। एक तो एक शाख ये है, एक शाख इसका ये है, दो शाख हो गए, एक इसका शाख यानी कि ये है मेन जो था मेन है, तीन हो गए। और उसके अलावा एक ये चार शाख हैं इसके अंदर, और बड़े लेटेस्ट किस्म के चार शाख हैं। उसके अलावा अब आपको मैं उस बंदे से मिलवाता हूँ जिस बंदे ने बाइक बनाई है। अस्सलाम वालेकुम यार, हर बंदा कह रहा है वाह भाई जिस तरह ये बाइक तैयार हुई पड़ी है, जितना यानी कि इस पर मेहनत लगी पड़ी और जितना इस पर दिमाग लगा पड़ा, उस बंदे को तो मिलाओ यार, हम उस बंदे से मिलवाए थे आपको। अस्सलाम वालेकुम। साजी कैसे बनाई, कैसे आपके दिमाग में ये सारी चीजें आई है इसके बारे में? मोहब्बत से बनी है, लग भी रही है कि वाकई मोहब्बत से बनी है, जिस तरह की इसमें क्वालिटी चीजें लग रही हैं। और ये मैंने ठीक सुना है कि यार ये पानी से चलती है, ये इंशाल्लाह पानी से चलती है। ये पानी से कैसे चलती है यार, समझ नहीं आ रही मुझे यार। ये पानी तो डालो एक लीटर में 60 किलोमीटर, एक लीटर पानी भी 60 किलोमीटर यार। पानी तो बंदा जितना मर्जी डाले, मर्जी डालो कोई मसला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मोटर चला के इसके अंदर और बंदा टैंकी फुल कर उसके बाद निकल जाए, कितनी दूर तक ये जा सकता है इसके ऊपर? कराची भी लेके जा सकता है बंदा यार, कराची तक जा सकती है यार। उसके अलावा यानी कि इस पे यार आपने सिंगल सीट बनाई, डबल सीट नहीं बनाई? ये सिंगल सीट, हैवी ड्यूटी इंजन डाला है इसमें। अच्छा, फुल पावर ये इंजन जो है इसका, वो कितने सीसी का? ये इंजन 49 सीसी। 49 सीसी इसकी कॉपी वगैरह लेटर वगैरह कुछ नहीं? अच्छी कॉपी लेटर 49 सीसी की भी होती है? अच्छा, इसके कागजात वगैरह भी है तो। और उसके अलावा यार इसके जो आपने अल्ट्रेशन वगैरह, ये कहाँ से दिमाग कहाँ से ले गया आप इतना हैवी है जिस चीज़ें बनाई है? ये दोस्त ने कहा था कि इस तरह की चीज़ें बनाओ, आपने काम सीखा था या कुछ अपने दिमाग से बनाई है? क्या चीज़ थी, क्या चीज़ नहीं थी? अच्छा माशाल्लाह यार, बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है यार आपने यार। और यार अगर मैं कहूँ यार मुझे दे दो आप, ये आप ले लो भाई। अगर मेरे जो व्यूवर्स वगैरह वो पूछना चाहते हैं वापस इसकी प्राइस वगैरह क्या, आप इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो बता दिया आपने, इसकी प्राइस वगैरह क्या, इसकी प्राइस वगैरह क्या होगी? प्राइस इसकी मकबूली रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। अच्छा, तो कितने में तैयार हो जाएगी मैक्सिमम, कितने में तैयार हो जाएगी मैक्सिमम? ये 35 से 40 हज़ार में तैयार। 35 से 40 हज़ार रुपये में यार, ठीक है 35 से 40 हज़ार रुपये में यार। और क्या लोगे यार आप 35 से 40 हज़ार रुपये में ये बाइक, अगर यही आप कह रहे 35-40 हज़ार में? ये नहीं बनाऊंगा, ये नहीं दोगे? इसी तरह सेम इसी तरह की होगी या कुछ डिफरेंट वगैरह भी होगा इसके अंदर? वो कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे ना, उसको क्या क्या चीज़ मांगता है, किस तरह की चाहता है। यार आज के दौर में जो चाइना की मोटरसाइकिल है बिल्कुल कबाड़, जिसे लोग पसंद नहीं करते, जिसको देखते नहीं है, और आप ये 35 से 40 हज़ार में ऐसी लेटेस्ट कदम बाइक तैयार करके दे रहे हैं यार, तो वैसे इतनी महंगाई में बिल्कुल करते यार मजाक
मैं करूँ मजा आ गई। ये पुरानी यानी कि सारी बाइक है जिसको मेंटेन किया आपने? इसका फ्रेम जो होता है होंडा 50 का है, होंडा 50 फ्रंट सस्पेंशन रियर सस्पेंशन खुद बनाया, ये सारे कुछ आपने खुद बनाया? बाकी जो सलेंसर भी खुद तैयार किया, फ्रंट भी खुद बनाया आपने, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा बनाया। और उसके अलावा भी इसको स्टार्ट करके दिखाओ, आपने स्टार्ट करके अभी तक नहीं दिखाया इसको, ये चलती कैसी है? चेक करें ये स्टार्ट वगैरह हो गई है, ये माशाल्लाह ये आवाज़ सुन ऐसी कहती है, नेक्स्ट लेवल है। अब इसको गियर लगाते हैं हम, पहला बिस्मिल्लाह की बरकत पड़ गई। रेज है ज़रा, ये रेज है ज़रा, एक दफ़ा इसकी स्पीड वगैरह चेक करते हैं। ये पहला गियर है, दूसरा गियर लगाते हैं, दूसरा गियर चला के देखता हूँ, मजा कराते कि नहीं कराते फिर भी पता लगेगा ये। बाकी यार चीज तो अच्छी लग रही है यार। जापानी कलर करा गया, ये जापानी कलर सारा अच्छा लग भी देखने में ऐसा कहीं उतर नहीं सकता। आगे ले गया जरा कैमरा, ये चेक करो जी, ऐसे मर्जी इस पे स्क्रैच वगैरह देखो, जैसे मर्जी डालो इस पे देखो, कुछ भी नहीं होगा, रंग को जरा सी भी रगड़ नहीं आ रही है, स्क्रैच वगैरह, ये इंपोर्टेड कलर है मेरे साथ। तो उसके अलावा उस्ताद जी न्यू और भी कोई इस तरह की और चीजें वगैरह बनाते रहते हो आप? बिल्कुल। क्या क्या चीजें अभी तक आपने बनाई है? अंटीक चीजें मसलन, उसमें क्या क्या चीजें आपने बनाई है? जीप भी बनाई आपने? अच्छा, हमर मिनी जीप भी बनाई यार, वो भी बड़ी लेटर था, वो भी मुझे दिखाना यार। उसके अलावा उसका रेट वगैरह प्राइस वगैरह भी यानी कि अब इसके साथ क्या आप तैयार कर दोगे? आपने कहा कि 35,000 से 40,000 रुपए में ये तैयार कर देंगे, बाइक वो अपनी लेके आएंगे? हाँ, बाइक आपको अपनी लेके आनी पड़ेगी, और 35,000 से 40,000 रुपए में यानी कि आपको पूरी अल्टरेशन वगैरह करके, अब ये ना करना 35,000 से 40,000 में ये नहीं मिलेगी, बाइक आप लेके आओगे और 35,000 से 40,000 फिर उसके अंदर लगेंगे कहीं आपको यार 35,000 से 40,000 में। भाई 35,000 से 40,000 में आजकल साइकिल नहीं आती सिंपल, और ये बाइक आपको दे रहे हैं। और उसके अलावा ये पानी से चलती है यार, सबसे बड़ी बात यह पानी से चलती है, जितना मर्जी पेट्रोल बंदा 2-4 बंदे ने सफर पे जाना हो, बंदा पूरी बंदा पूरी वो ले ले, क्या नाम कैनल, बड़ी कैनल ले ले, बड़े बड़े गैलन ले ले, और पानी का भर के रख ले बंदा, जहाँ से दिल करे भर लो पानी। अच्छा, पानी आम पानी जो सा मर्जी डालो, मैंने शायद के फिल्टर वाला पानी भी नहीं, आम पानी आप घर के टैंक टोटल चला के चलाओ, कोई लक्कड़ नहीं बेचे, आम पानी भी डाल दो यानी कि बिजली चल जाएगी यार। माशाल्लाह यार ये बाइक तो मुझे बहुत प्यारी लगी, अगर आपको भी चाहिए तो उस्ताद का नंबर वगैरह मैं नीचे कमेंट में देता हूँ, और आपने ज्यादा तंग वगैरह नहीं करना, अक्सर लोग तंग बहुत ज्यादा करते हैं तो तंग वगैरह नहीं। तो उसके अलावा जो आप है ये इसका क्लच है देखो, बल्कि ये इसकी ब्रेक है, ये इसकी आगे वाली ब्रेक है, और ये इसकी रेस है, ये रेस चेक करो आप, और ये इसकी मोटाई साइड पे, ये इसका क्लच है, ये क्लच देखें ये काम हो रहा है, ये नीचे ये देखें, ये क्लच देखें नीचे काम कर रहा है क्लच, ये इसका क्लच है, और बड़ी यानी कि लेटेस्ट चीज़ है। और ये इसका मीटर चेक करें, मीटर वैसे ही फैंसी लगाया हुआ है, चलता नहीं है, बरल ये अच्छी यानी कि चीज़ बनाई, लुकदार चीज़ बना के दी आपको। ये फ्रंट शॉक चेक करें, दो तो वो जा रही हैं, और एक ये शॉक जो सेंटर में आ रहा है ना, सारा ये पंपिंग करके आपको दिखा दे कि किस तरह ये पंप वगैरह करता है, सारा हब वगैरह इसकी सारी अल्ट्रेशन की है, टोटल यानी कि गाड़ी की अल्ट्रेशन की है, और टोटल। अब यार आप काफ़ी बाइक कहेंगे वाह भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई, ये आपने स्कूटी ओ होंडा 50 सोना का गाड़ी, ये होंडा 50 है, सारी इसकी कटिंग शटिंग करके इसको न्यू लेटेस्ट मॉडल में यानी कि तैयार किया गया, टोटल यानी कि डिज़ाइनिंग वगैरह हर बंदे एक बंदे के हाथ की, फिर वो बंदे से भी आपको मिलवा देते हैं कि उस बंदे ने कैसे तैयार की थी, और बहुत मेहनत से तैयार की यार, ये चेक करें यार। मैं कहता हूँ मैंने तो उस्ताद को कहा कि यार ये बाइक मुझे दो, पर वो कहता है यार इसके साथ की और तैयार कर दूंगा, पर ये नहीं दे सकता कि उसने बड़े मोहब्बत से और दिल से मिल बनाई है। अब मैं आपको उस बंदे से मिलवा देता हूँ जिस बंदे ने बनाई, उससे मालूमात इसकी लेते हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन और क्या मालूमात वगैरह। अब इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है भाई, आपकी स्पीड इसकी देख लो आपके सामने है,
फुल पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंजन है। इसकी शाख वगैरह यार देखो, ये बड़ी आगे से जंपिंग करी है, बड़ी शाख वगैरह इसकी बड़ी कमाल की है, और बड़ी लेटेस्ट चीज़ बनाई है यार, बहुत लेटेस्ट चीज़ बनाई है, और पानी के साथ चलती है यार, सबसे बड़ी बात ये है। अब मोटर टैंक की लेना देना इसमें फुल भर लो एक दफ़ा, उसके बाद जैसे मर्जी जाने देखो आपके सामने कैसे जा रही है ये भाई। मुझे तो बहुत प्यारी लगी यार, आपको भी चाहिए आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन वगैरह वीडियो वगैरह के, इस पर कितने पैसे लगेंगे और आप कितने में ये बाइक तैयार कर लेंगे, आपको टोटल वीडियो शीडियो बना दिया मैंने, और टोटल वीडियो शीडियो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो इसी हवाले से करते भी लोग कमेंट, तो इसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि न्यू मजीद वीडियो आप तक आती रहे। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, जो नेक्स्ट बाइक है वो भी उस्ताद ने तैयार किया और वो भी बड़ी लेटेस्ट है, वो भी आप देखेंगे ना बाकी परेशान हो जाओगे यार। जिसे कहते हैं बाइक वो बाइक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह।